असम में कांग्रेसियों ने पूछा कि 600 मदरसे क्यों बंद कर दिए गए। देश को डॉक्टर इंजीनियर की जरूरत, मुल्ला की नहीं। देश में घूम रहे बाबर को बाहर करना होगा। हरियाणा के सोनीपत में चुनाव प्रचार के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनसे असम में कांग्रेसियों ने पूछा कि 600 मदरसे क्यों बंद कर दिए गए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बाकी भी बंद कर दूंगा। देश को डॉक्टर इंजीनियर की जरूरत, मुल्ला की नहीं। देश में घूम रहे बाबर को बाहर करना होगा। इसके बाद मदरसों को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। आइए इसी बहाने जान लेते हैं मदरसों का इतिहास, भारत में इन्हें कौन चलाता है, कहां से फंडिंग होती है और सरकार का इन पर कितना नियंत्रण होता है। नमस्कार, @9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मदरसा वास्तव में अरबी का शब्द है जिसका मतलब है पढ़ने का स्थान। ये मूल रूप से हिब्रू भाषा से अरबी में आया। हिब्रू में इसे मदरसा कहा जाता है। मदरसों की शुरुआत मस्जिदों में दिए जाने वाले व्याख्यान के जरिए मानी जाती है। बाद में इन व्याख्यानों में आने वाले छात्रों के लिए मस्जिदों में रहने खाने की व्यवस्था भी की जाने लगी। हालांकि व्यवस्थित ढंग से दुनिया में मदरसों की शुरुआत का श्रेय 11वीं सदी में सेल्जुक के अधीन एक वजीर रहे निज़ाम अल मुल्क को दिया जाता है, जिसने ईरान, खुरासाना और मेसोपोटामिया में मदरसों का पहला नेटवर्क बनाया था। धीरे धीरे मदरसे ओटोमन साम्राज्य में सेवा देने वाले संस्थान बनते गए और साल 1330 में अगले लगभग 600 साल तक 3 महाद्वीपों पर काम किया। अंग्रेजों ने मदरसों पर नियंत्रण कर लिया और उन्हें ओरिएंटल कॉलेज के रूप में बदल दिया। आइए जानते हैं भारत में कहां से हुई सबसे पहले मदरसे की स्थापना। जहां तक भारत में मदरसों के इतिहास की बात है तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यहां पहला मदरसा अजमेर में साल 1191-92 में खोला गया था। यूनेस्को का मानना है कि भारत में 13वीं शताब्दी में मदरसों की शुरुआत हुई थी। इसके बाद भारत में मदरसों की संख्या बढ़ती गई और अकबर के शासन में इसमें इस्लामिक शिक्षा के साथ ही अन्य विषयों की शिक्षा देने पर भी जोर दिया गया। अंग्रेजों ने भी अपने शासनकाल में भारत में मदरसे खोले थे। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने साल 1780 में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, इसमें अंग्रेजी सरकार का पहला मदरसा खोला गया था। कलकत्ता मदरसा की शुरुआत कोलकाता में सियालदह के पास बैठक खाना में हुई थी, जिसके बाद से वेलिसले स्क्वायर में स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ यह आज भी स्थित है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने तो इसे कलकत्ता मोहडमन कॉलेज नाम दिया था, पर आज इसे आलिया विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने मदरसों पर नियंत्रण कर लिया और उन्हें ओरिएंटल कॉलेज के रूप में बदल दिया, जहां फारसी अरबी के साथ साथ कानून और राजनीति की भी पढ़ाई होने लगी। देश की आज़ादी के बाद मदरसों का आधुनिकीकरण भी हुआ। कई मदरसों में अपने पाठ्यक्रम में आधुनिक शिक्षा को भी शामिल किया गया। तब मदरसों को इस्लामी ज्ञान का प्रतीक माना जाता था और इनमें बड़ी संख्या में लोगों को शिक्षा भी दी जाती थी। इसके बावजूद मदरसों का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होता था और इसमें गैर मुस्लिम बच्चे भी शिक्षा पाते थे। 19वीं सदी के अंत तक मदरसों का यह स्वरूप बना रहा। कहा जाता है कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समाज सुधारक राजा राममोहन राय और मुंशी प्रेमचंद ने शुरुआती पढ़ाई मदरसों से ही की थी। ये साल 1844 की बात है जब मदरसों के स्वरूप में बदलाव आना शुरू हुआ था। इनमें पढ़कर पास हुए छात्रों के लिए अंग्रेजों ने सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए। तब अचानक लोगों पर अंग्रेजी थोप दी गई, जिसको स्वीकार करना आसान नहीं था। बांटो और राज करो नीति के तहत अंग्रेजों ने मुसलमानों की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी और उसे धार्मिक और गैर धार्मिक श्रेणियों में बांट दिया। मदरसों के 3 स्तर हैं, तथानिया, फुकानिया और आलिया। मदरसों की अर्थव्यवस्था की बात करें तो जब इनकी शुरुआत हुई थी तो शासन और धनाढ्य लोग इनके लिए धन की व्यवस्था करते थे। फिर मदरसा व्यवस्था आम लोगों के दान से चलने लगी। इसमें सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। समय बदला और कुछ मदरसे स्वायत्त बने रहे, पर कुछ सरकारी मदद से संचालित होने लगे। कई राज्य सरकारें मदरसों को आधुनिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए धन मुहैया करती है, तो केंद्र सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना यानी MMS के तहत ढांचागत विकास, शिक्षकों की ट्रेनिंग और पाठ्यक्रम विकास के लिए धन मुहैया कराती है। इसके अलावा कई गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO भी मदरसों के संचालन के लिए धन देते हैं। इसमें भारतीय ही नहीं विदेशी NGO भी हैं। मदरसों को दान देने की प्रथा अब भी कायम है।
कुछ धार्मिक संगठनों भी इनको दान करते हैं। कुछ मदरसे छात्रों से शुल्क भी लेते हैं तो कुछ व्यवसायिक गतिविधियों जैसे अपनी संपत्ति किराए पर देकर धन की व्यवस्था करते हैं। मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है जो उन्हें अपने धर्म को समझने और उनकी शिक्षाओं का पालन करने में मददगार होती है। नैतिक शिक्षा के जरिए अच्छे नागरिक बनने और समाज में योगदान के लिए मूल्यों का विकास भी इनकी शिक्षा व्यवस्था में शामिल है। इनके छात्रों को अब कई तरह की ट्रेनिंग, आधुनिक शिक्षा, धार्मिक नेतृत्व की पढ़ाई कराई जाती है जिससे इनको रोजगार के अवसर मिलते हैं। मदरसे अब सीधे राज्य सरकारों के नियंत्रण में आते हैं। जिस तरह से स्कूल प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर के होते हैं, उसी तरह से मदरसे भी अलग अलग स्तर के होते हैं। ग्रेजुएशन स्तर की भी पढ़ाई इसमें होती है। इनके तीन स्तर हैं, तथानिया, फुकानिया, आलिया। तथानिया प्राइमरी मदरसा होता है, फुकानिया जूनियर, आलिया में मुंशी, मौलवी, आलिम, कालिम और फाजिल की पढ़ाई कराई जाती है। मुंशी या मौलवी की परीक्षा हाईस्कूल, आलिम की इंटरमीडिएट और कालिम के स्नातक स्तर की मानी जाती है। इन्हें सरकारी नौकरियों में भी मान्यता मिलती है। मुंशी और मौलवी की पढ़ाई में धर्मशास्त्र, शिया, सुन्नी अनिवार्य विषय हैं। मौलवी के लिए ए और बी लिटरेचर की पढ़ाई ज़रूरी होती है। लेखक के लिए बी फारसी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी की पढ़ाई होती है। गणित, गृह विज्ञान, तर्क और दर्शन, सामान्य विज्ञान, विज्ञान तिब्बती की पढ़ाई होती है। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के तहत कुरान, हदीस, फिहक और तफसीर पढ़ाई जाती है। मदरसों में कुरान, हदीस, तफसीर, फिकह और इस्लामी इतिहास के साथ दूसरे विषयों की भी पढ़ाई होती है। मदरसे अब सीधे राज्य सरकारों के नियंत्रण में आते हैं। जिस तरह से अलग अलग राज्यों के लिए अपने शिक्षा बोर्ड हैं, उसी तरह से मदरसों के लिए भी शिक्षा बोर्ड हैं। उदाहरण के लिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर ही यहाँ उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन काउंसिल है। ये काउंसिल ही मदरसों की सभी परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है। CBSI की तर्ज पर भारत सरकार की ओर से मदरसा बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये आधुनिक शिक्षा पर केंद्रित है। इससे मान्यता प्राप्त मदरसों में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। इनके अलावा मदरसों के संचालन के लिए कुछ और भी बोर्ड हैं जिनसे मान्यता लेनी होती है। इनमें एक है दारी उलूम देवबंद। दारी उलूम देवबंद बोर्ड दीनी शिक्षा पर आधारित है। इससे मान्यता प्राप्त मदरसों मल कुरान, हदीस, तफसीर, फिहक और इस्लामी इतिहास विषयों की पढ़ाई होती है। वहीं नदवातुल उलमा बोर्ड दीनी और आधुनिक शिक्षा का मिश्रण है। इसके मदरसों में कुरान, हदीस, तफसीर, फिहक, इस्लामिक इतिहास के साथ ही साथ विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई भी होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताएँ।